जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्री जर्नी में। तो आज हम आपसे बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ICAR से मान्यता प्राप्त टॉप 10 एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन उत्तर प्रदेश, मतलब आपके उत्तर प्रदेश में टॉप 10 जो आपकी ICAR से एफिलिएटेड या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ है फॉर वेटरनरी या एग्रीकल्चर के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आप अगर उत्तर प्रदेश में पढ़ते हो तो कम से कम इतना तो अपने को जानकारी होनी ही चाहिए कि यहाँ कौन कौन सी जो है टॉप रैंकिंग की आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर BSc एग्रीकल्चर की कौन सी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, BSc हॉर्टिकल्चर के लिए, BSc फॉरेस्ट्री के लिए, तो पूरी रैंकिंग जो है मैंने सेट कर रखी है आपकी, कि सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि फॉर एग्रीकल्चर के लिए कौन सी अच्छी बेस्ट है, या हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सी बेस्ट है, या आपकी BSc फॉरेस्ट्री की कौन सी बेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपकी यूपी की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे कि यूपी की जो आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी इस वीडियो में जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसा कि पता है कि इन सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा अपने को, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी टॉप 10 एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ है इनमें एडमिशन, इनमें प्रवेश कैसे ले, तो सारी जानकारी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो रैंकिंग में सबसे 10वें नंबर पर जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती है वो आती है, आप देख सकते हो जो आपकी आती है नरेंद्र देव यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी NDUET के नाम से आपको बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज आपकी है, जो कि कुमारगंज अयोध्या में आपकी यूनिवर्सिटीज है उत्तर प्रदेश में। आपको पता है बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज है आपकी है नरेंद्र देव यूनिवर्सिटीज, इसकी जो है ICAR में इसकी रैंकिंग भी अच्छी खासी है, बट उत्तर प्रदेश में इसकी जो रैंकिंग है 10वें नंबर पर इसकी जो है रैंकिंग आती है। आप ये देख सकते हो इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना की, एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करें तो आप ये देख सकते हो 10 अक्टूबर 1975 में जो एस्टेब्लिश हुआ था आपका ये विश्वविद्यालय। और अगर एडमिशन हम आपकी बात करें तो एडमिशन कैसे लें, तो एडमिशन आप देख सकते हो ICAR के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो ये आपको एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटीज़ का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हो, है ना, टाइम टाइम पर जो है इसके एंट्रेंस एग्जाम होते रहते हैं, तो आप इसके थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हो। नंबर 9 पर जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती है आप देख सकते हो, नंबर 9 पे यूनिवर्सिटीज़ आएगी आपकी सरदार पटेल यूनिवर्सिटीज़, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपकी ये यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको SBPUET के नाम से जानते हैं आप लोग। मेरठ उत्तर प्रदेश में आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ना। और इसका जो है आप बात करें हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, स्थापना इसकी कब हुई थी, तो आप देख सकते हो 2000 के आसपास इसकी जो है स्थापना हुई थी, सन 2000 में क्या इसकी स्थापना हुई थी, तो ये बहुत ही पुरानी आपकी यूनिवर्सिटीज़ है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो खुद का इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है और ICAR के थ्रू भी इसमें जो है स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेते हैं। नंबर 8 पर अगर हम आपसे बात करें, तो नंबर 8 पर जो आपकी यूनिवर्सिटीज आती है वो भी आपकी आती है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि मुंबई उत्तर प्रदेश में है, बांदा में, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। फिलहाल में इसमें अभी जो है एडमिशन सेशन अभी 2022-23 के लिए फिलहाल में इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चल रहे हैं, अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल इसमें एडमिशन ले सकते हो, फिलहाल में एडमिशन चल रहे हैं। नंबर ऑफ सीट की अगर हम बात करें, तो BSc एग्रीकल्चर के लिए फिलहाल में 104 जो है सीट इसमें अवेलेबल हैं, BSc हॉर्टिकल्चर की 104 सीट्स अवेलेबल हैं, BSc फॉरेस्ट्री के लिए फिलहाल में इसमें 62 सीट्स आपकी जो है अवेलेबल है। तो सीट्स का भी हमने जान लिया कि भाई कौन कौन सी आपकी बांदा जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बहुत ही अच्छी आपकी जो ये यूनिवर्सिटीज़ है ना, खासतौर से एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनका बहुत ही अच्छा योगदान है इस यूनिवर्सिटीज़ का। तो आपने सीट के बारे में भी जाना कि हाँ BSc एग्रीकल्चर की कितनी सीट्स हैं, हॉर्टिकल्चर की कितनी सीट्स हैं और फॉरेस्ट्री की टोटल कितनी सीट्स हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटीज़, अगर आप इंटरेस्ट हैं तो बिल्कुल उसमें अभी फिलहाल में सेशन में एडमिशन चल रहे हैं, तो आप जो है इस यूनिवर्सिटीज़ में फिलहाल में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें इसमें एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप देख सकते हो ICAR के थ्रू भी इसमें जो है एडमिशन आपको मिलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है और आपका खुद का यूनिवर्सिटीज़ भी एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करती है। आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ कुछ टाइम बाई टाइम जो है यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। नंबर 7 पर जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती है वो आप देख सकते हो, नंबर 7 पे आती है आपकी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में आपकी यूनिवर्सिटीज़ है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 2014 के आसपास, मतलब अभी लेटेस्ट ही यूनिवर्सिटीज़ आपकी बनी है, बट आप इसमें एक बार टूर करके देखोगे ना इस यूनिवर्सिटीज़ का, बहुत ही इसका जो है मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज़ का, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई इसका। अगर हम बात करें डिग्री प्रोग्राम की, तो आपको लगभग इसमें जो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर या MSc एग्रीकल्चर, लगभग सारे प्रोग्राम जो है इस यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है आपकी, है ना, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ है, तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। 2014 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, आप लोगों को पता है, ठीक है, राज्यसभा में इसका जो है पास हुआ था, तभी पास होने के बाद इस यूनिवर्सिटीज़ की जो है स्थापना हुई थी।
फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर की 13,700 रुपये फीस है आपकी एक साल की फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। और एमएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें फीस के स्ट्रक्चर की तो आप देख सकते हो 17,800 के आसपास जो है इसकी फीस है आपकी एमएससी एग्रीकल्चर की। नंबर आपकी जो है 6 पे यूनिवर्सिटीज आती है वो आप देख सकते हो, नंबर 6 पर आती है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि आपकी कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी अगर स्थापना की हम बात करें तो 1975 के आसपास जो है इस यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज है आपकी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी, इसके एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसका भी अच्छा खासा योगदान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे कि ICER एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसमें जो है आपको एडमिशन मिलता है, आपको पता है ICER का भी फिलहाल में फॉर्म फिल हो रहे हैं तो ICER के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी इसमें एडमिशन मिलता है। और यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस एग्जाम भी टाइम टाइम पर आप जो है होते रहते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 5 की तो नंबर 5 पे आपकी यूनिवर्सिटीज आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए, भाई ये आपकी वेटनरी के लिए बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज, नंबर 1 यूनिवर्सिटीज आती है फॉर वेटनरी के लिए उत्तर प्रदेश में। मथुरा में आपकी यूनिवर्सिटीज स्थित है। अगर स्थापना की हम बात करें तो 25 अक्टूबर 2001 के आसपास जो है इस यूनिवर्सिटीज़ की आपकी स्थापना हुई, तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज है खासतौर से वेटनरी के क्षेत्र में। इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा तो आपको पता है ICER के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है इसमें एडमिशन मिलता है, क्योंकि ICER से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज है आपकी और यूनिवर्सिटीज़ के खुद के एंट्रेंस एग्जाम चलते हैं। जैसे कि आपको पता है PVT फिलहाल में इसमें अभी एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं PVT और PBDAT, मतलब डिप्लोमा के क्षेत्र में भी सारे जो है इसके एग्जाम्स होते हैं। नंबर अगर हम बात करें 4 की तो नंबर 4 पर जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती है वो आप देख सकते हो सैम हिंगेबॉटम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए, भाई बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है स्वाड जिसको बोलते हैं SHU यूनिवर्सिटीज़, आपको पता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपकी यूनिवर्सिटीज़ स्थित है। बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर के लिए, प्लेसमेंट के लिए इसका अगर बात करें तो प्लेसमेंट के लिए भाई नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ है आपकी SHU स्वाड, आपको पता है इसके जो है एंट्रेंस एग्जाम भी टाइम टाइम पर होते रहते हैं, आपको पता है इनके बारे में। लगभग सभी प्रकार के जो है इसमें डिग्री कोर्सेज सभी प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं। अगर हम बात करें इसके स्थापना की तो आप देख सकते हो 1910 के आसपास जो है एस्टेब्लिश हुआ था आपकी ये यूनिवर्सिटीज़, ICER से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ है भाई, आपको पता है इसके एंट्रेंस एग्जाम भी टाइम टाइम पर चलते हैं, आपने इनके बारे में आप सुना होगा। और फॉर बीएससी एग्रीकल्चर की अगर आप फीस की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हो 57,000 के आसपास आपकी जो है इसकी फीस है, आप देख सकते हो फॉर बीएससी एग्रीकल्चर की थोड़ा महंगी यूनिवर्सिटीज़ है भाई ये, और इसके एंट्रेंस एग्जाम खुद का होता है आपको पता है। नेक्स्ट 3 की अगर बात करें नंबर 3 पर जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती है वो आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आपकी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें हर व्यक्ति के पढ़ने का भाई एक सपना होता है ना, फॉर BHU है AMU के लिए आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1875 के आसपास जो है इस यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी, बहुत ही अच्छी और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है भाई आपकी ये उत्तर प्रदेश के लिए। और अगर हम बात करें लगभग सभी प्रकार का जो है इसमें डिग्री प्रोग्राम सभी प्रकार के कोर्सेज चलते हैं आपके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में, सभी प्रकार के कोर्सेज आपको जो है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में जो है देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है भाई आपकी। और अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो प्रवेश कैसे है? तो आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ का खुद का इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसके थ्रू जो है स्टूडेंट्स को लिया जाता है, और अभी फिलहाल में CUET के थ्रू भी जो स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है। सेकंड नंबर पर आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती है, आपको पता है विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ है आपकी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, आपको पता है इसका नाम भी बहुत अलग है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारसी उत्तर प्रदेश में आपकी ये यूनिवर्सिटीज़ स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 4 फरवरी 1916 के आसपास जो है इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है भाई, वर्ल्ड वाइड इसकी अच्छी खासी रैंकिंग आती है BHU, आपको पता है बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज है आपकी है। और आपको पता है इसमें एडमिशन कैसे मिलता है तो आपको पता है ICER के थ्रू भी इसमें एडमिशन मिलता है, और अभी फिलहाल में आपको पता है CUET एग्जाम चल रहा है आपका कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके थ्रू भी जो है इसमें आपको एडमिशन मिलते हैं, तो आप लोग जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो अगर आप इंटरेस्ट है तो, बिल्कुल सभी लोग जो है एडमिशन ले सकते हो इसमें, है ना, ICER के थ्रू भी इसमें एडमिशन। तो एग्रीकल्चर के बहुत अच्छा स्कोप है जो आपकी BHU में, प्राइवेट सेक्टर में खास तौर से बहुत ही बेस्ट स्कोप है आपका BHU में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो यहाँ से MBA भी बहुत सारी तैयारी करते हैं, कैट वगैरह UPSC वगैरह की बहुत सारे स्टूडेंट जो है तैयारी करते हैं आपको पता है BHU में। और प्लेसमेंट की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा जो है प्लेसमेंट आपको जो है BHU में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनीज जो है आपकी BHU में टाइम बाय टाइम आती रहती हैं।
और आपको अगर बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, तो सभी प्रकार के आपके कोर्सेज चलते हैं। सारे जो है डिग्री प्रोग्राम आपको जो है BHU में देखने को मिल जाएंगे, जो बनारस आपकी हिंदू यूनिवर्सिटीज है इसमें आपको लगभग सभी प्रकार के कोर्सेज आपके इस यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। नंबर फर्स्ट पर अगर हम बात करें तो नंबर फर्स्ट पर आप देख सकते हो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में आपकी स्थित है। इस्टेब्लिशमेंट की हम बात करें, स्थापना कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1889 को इस यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी। बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज भाई, आपको पता है ICAR ने 2020-21 में इसको फर्स्ट रैंकिंग पे रखा था, इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटीज भाई फॉर वेटनरी के लिए। आप देख सकते हो है ना, आपकी जो कि इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इसकी अगर हम बात करें कि इसमें आपको एडमिशन कैसे मिलता है, तो आप देख सकते हो इसका खुद का जो है एंट्रेंस, सॉरी इसका ICAR के थ्रू आपको जो है एडमिशन मिलेगा। ICAR एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको जो इसमें एडमिशन मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सभी लोग जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।